A very, very warm good evening, my lovely kids. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedanta Biotonic, India's truly most trusted and most loved bio channel, I welcome you all to today's very important session on the morphology of flowering plants. Ye chapter humne khatam kar liya hai. Now is the time to do MCQs of this particular topic. Kaise ho mere bachcho, Devanjan, Mitali, Monica Sahu, Sheetal, Amar. I hope all of you are doing well. And are you ready to solve the MCQs of this topic with me, Janvi? Hello. So, kya aap sabki OMR copies ready? And should we get started with the super amazing MCQs? By the end of this topic, इस चैप्टर से नीट, एम्स और एएफएमसी इन तीनों में पिछले 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे इन द नेक्स्ट 40 मिनट्स यू वुड हैव सॉल्व्ड. आई रिपीट, अगले कुछ मिनट में नीट, एम्स, एएफएमसी से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वी वुड हैव सॉल्व्ड देम. सो चलिए स्टार्ट करते हैं पिछले 10 इयर्स के सारे नीट, एम्स, एएफएमसी क्वेश्चंस वी वुड हैव फिनिश्ड इन द नेक्स्ट 40 मिनट्स. सो वी ऑलरेडी डन द चैप्टर. हमने ये चैप्टर पहले भी किया हुआ है. अभी हमने इस चैप्टर के वन पेज नोट्स बना लिए हैं. एंड टुडे following the process, let us now move on to the MCQs of this particular topic. Perfect. आज सुबह हमने 50 MCQs solve किए genetics के और अब हम solve करते हैं plant morphology के MCQs. 100% आपके plus 8 होने वाले हैं क्योंकि morpho से question जरूर आता है, genetics से तो 4 to 5 questions आते हैं. So 100% आपके exams में be 2021 और 2022 आपके एग्जाम्स में इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस तो टकराने ही वाले हैं, राइट? 2023 के बच्चे भी आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया. चलिए मैस्कॉट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. कल और परसों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं वेदांत बायोट्रॉनिक पे. आई नो दैट योर बायो इज वेरी स्ट्रॉन्ग and ना सिर्फ strong है, it is even getting better and better day by day. But दो topics है जिनमें आपकी your ability to solve MCQs is not that strong. एक है physics जिससे आपको थोड़ा ज्यादा ही डर लगता है और दूसरा है chemistry. Is that true? Yes, ma'am, लिख दो फिर. Right, main comment section पे भी लिख देना. और बच्चों, आपके board exams के लिए Biotonic क्या करे ये आप comment section पे लिखते चले जाओ. Next week onwards हम बहुत बार मिलेंगे और board exams की तैयारी तो हमें बहुत अच्छे से करनी है. क्या आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं? वो बड़ी मजेदार बात ये है that tomorrow we are having a open garden session. Yes, open mic session, जिसमें आप सबको मैं मौका दूंगी बोलने का. In fact, मैं आप सबको, you know, हमारा session तो चल ही रहा होगा, but दूसरे मोबाइल पे मैं आपको एक, you know, एक आईडी दूंगी, आप उस पे आ जाएगा and we can all interact with each other. तो आप लोग, you know, live आने का मैं आपको मौका दूंगी. या एक और पे मैं Instagram open कर लूंगी, then you can keep on coming live there and हम एक दूसरे से open mic session करने वाले हैं, where we are going to talk about our board exams. But before that, we are going to do the zero to hero in NEET. Chemistry के लिए आप अपने संडे को ब्लॉक कर लीजिए. प्लीज, योर संडे शुड बी ब्लॉक 7 PM 1 hour के लिए. सर विल टेल यू वॉट ऑल यू नॉट बीन डूइंग इन केमिस्ट्री एंड वॉट ऑल यू नीड टू डू इमीडिएटली, राइट? एंड गाइज, मार्क योर अटेंडेंस इन द क्लास. फिजिक्स में आनंद सर, द वन एंड ओनली आनंद सर इज गोना कम टुमारो एट 7 PM. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक सुपर डुपर अमेजिंग गाइज. मतलब ये नेक्स्ट लेवल तक हो जाना चाहिए, राइट? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन है. सो कल मैं आप लोगों के लिए एक ओपन माइक सेशन कर रही हूं. व्हाट एम आई डूइंग टुमारो बच्चों? खुशी, दीपक, ओपन माइक. ओपन माइक क्या होता है? दैट यू नो एक एम्फीथिएटर टाइप का फील आता है. वी कैन ऑल सिट देयर एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स. सो टुमारो 5 o'clock इज योर ओपन माइक. कितने बच्चों के मन में डाउट्स है, बोर्ड एग्जाम्स कब करें, कैसे करें, When do we start preparing? अभी नीट की तैयारी करें या थोड़े देर बाद तैयारी शुरू करें, राइट? हाउ एग्जैक्टली शुड बी स्टार्ट? और मैम बायोटॉनिक के थ्रू तो कितने बच्चों के मन में क्वेश्चन है, मैम थोड़े देर और बोर्ड पढ़ लें, नीट पढ़ लें, कब से शुरू करें? सो दिस इज एन ओपन माइक सेशन विच वी आर गोइंग टू डू टुमारो. And then I will tell you all that we Biotonic is planning to do for you. Are state board students disadvantaged in the NEET? कितने बच्चों को ऐसा लगता है, कितने बच्चे स्टेट बोर्ड है और उनको फील होता है कि यार वो डिसएडवांटेज्ड है, कहीं सीबीएसई वाले बाजी मार ले जाते हैं. अगर ऐसा लगता है तो एक हार्ट बना दो. कल होने वाले ओपन माइक पर आप स्टेट बोर्ड वाले बच्चों एक हार्ट बना दो प्लीज.
फटाफट से स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, कितने बच्चे एक हार्ट बना दो, मुझे मुझे पता चलना चाहिए। स्टेट बोर्ड में आईसीएसई भी आ जाता है बिकॉज सीबीएसई से तो स्टेट बोर्ड हो गया। अरे यार तो ये ना चलता नहीं है, मेरा रिमोट का सेल आने वाला है, मुझे टेलीग्राम पे याद दिला देना क्लास के बाद, मुझे लगता है इसका सेल नहीं हुआ। तो क्या स्टेट बोर्ड, अरे यहाँ यस हाँ, तो सबने हार्ट बना दिए। अगर आपको लगता है तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्टेट बोर्ड के साथ साथ कैसे अच्छा कर सकते हो, मैं आपको आज बताने वाली हूँ। राइट, चुनमुनु गैंगस्टर्स, वाह रे वाह, हार्ट्स, आज तो स्टेट बोर्ड हो गया, आईसीएसई हो गया, मतलब सारे वही बच्चे हार्ट्स ही हार्ट्स छा गए आज तो स्क्रीन पे। राइट, चलिए ठीक है, अब ये देखो, बोटॉक्स बोटॉक्स बोटॉक्स, ओपन माइक है बोटॉक्स। यार बोर्ड कब से पढ़े, कब से पढ़े, नीट कैसे करे, बोर्ड और नीट कैसे करे। वी आर गोइंग टू बी सिटिंग आउट इन द गार्डन, द गार्डन इज फुल ब्लूम, सारे फूल खिले हुए, इट्स गोइंग टू बी वेरी रिलैक्सिंग फॉर यू टू सिट आउट इन द गार्डन, वी आर गोइंग टू बी सिटिंग आउट एंड बोर्ड टॉक्स बहुत जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी अ पार्ट, आप अपने क्वेश्चन पूछना, इंस्टा पे हम साथ के साथ लाइव चले जाएंगे, तो एक फोन पे हम बोर्ड टॉक्स करेंगे और दूसरे फोन पे हम इंस्टा पे एकदम लाइव चले जाएंगे। राइट, डन, एंड इंस्टा पे लाइव जाके देन वी कैन टॉक, मैं आपको ऐड करती रहूंगी, आप मुझसे क्वेश्चंस वन टू वन पूछते रहना। डन, परफेक्टो, इनफैक्ट इसी स्क्रीन पे यार कैसे जूम करें, जूम में तो एकदम ऐसे सब आ जाएंगे, तो इंस्टा पे या जूम पे हम वी विल टॉक एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड वी विल डू दैट। टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर नीट प्रिपरेशन कंप्लीट क्लास 12th सिलेबस, इजंट दिस वाओ, फुल क्लास 12 सिलेबस। देखते हैं कि चुनमुनु गैंगस्टर्स क्लास 12th पूरा, फुल क्लास 12 सिलेबस कल आपके लिए होने वाला है। यस, चले देखते हैं कैसे आप लोग, और नीट बोर्ड वेडनेसडे को आपका कंप्लीट क्लास 11th फुल सिलेबस टेस्ट, क्लास 12th फुल सिलेबस टेस्ट, वाओ, यस, अमेजिंग नो, क्लास 12th फुल सिलेबस, क्लास 11th फुल सिलेबस, वाओ, दिस इज सुपर अमेजिंग गाइस, बस मेंटी आने वाला है, एपिक लेवल होने। तो गाइस इसके लिए चैनल को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ द चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए लाइक करना पड़ेगा अभी और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा सो दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी ऑफ द सुपर अमेजिंग थिंग्स दैट वी आर डूइंग ऑन आवर चैनल राइट नाउ। कूल, चलो फिर चलते आगे गाइस, तो अभी इसी बात पे हो जाए, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक बेल आइकन, सो दैट ये सारी चीजें जो आपके लिए आ रही है आप एक भी चीज को हमारे साथ मिस मत कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है और कोई तरीका है वे यू कैन कम लाइव विद मी, आप मुझे बता दीजिए सो दैट आई कैन डू अ वन ऑन वन लाइव। राइट, अगर जूम का आईडी शेयर करोगी तो फिर तो ऐसा स्पैम हो जाएगा, तो कोई तरीका और होना चाहिए वे वी कैन टॉक टू ईच अदर। राइट, बायोटॉनिक फॉर नीट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, अभी कीजिए जिन्होंने नहीं किया, आप ऐप को डाउनलोड करो और बायोटॉनिक फॉर नीट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो सो दैट यू डोंट मिस। राइट, दर्शन जल्दी शुरू कर रहे बेटा, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको देना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ मेंटी पे आ जाइए मेरे बच्चों, ये रहा आज का मेंटी, फुल स्क्रीन आइए, 1891932 ये आपका मेंटी है, चलो 1891932 चलिए चलिए,
How can you manage boards and meets together? I know you are worried, you are stressed, you are anxious. When do you start boards? When do you stop NEET preparation? Henna, your questions. So it is very important that you join the session with us tomorrow. So the code happens to be, please open one more window, which is called menti.com, giving you 10 more seconds. 1891932. Can we start? Everyone, you've joined? 5, 4, 3, 2. Some of them are tricky questions, but remember that we will be able to finish all the NEET, AIIMS and AFMC questions. And here we go. Question number one on your screens, please. Which of the, this was the first photograph which I had drawn in your handmade notes, A, B, C. First photograph of your handmade notes. And guys, have you all become a part of We Biotonic? Have you all subscribed to the channel? Have you all liked? Have you all subscribed? Excellent. Part A is most suitable for anatomical studies of the root because they do have the cells which are meristematic. Lovely. Well done. Isi ko kehte good. Well done. C option aap sab keh rahe the. Very well done. Aur ye first jo aapko maine shuru karwaya tha plant morphology wo isi diagram se karwaya tha agar aapko yaad hoga to. Correct? Kitne bachcho ka correct hua hai? Unbranched, erect, cylindrical, stout axis with distinct nodes and internodes and with joint appearance. Wow. Runner, sucker, cull, caudex. With nodes and internodes, they have mentioned. It is unbranched. Okay, there is no branching. It is erect. It stands straight. Cylindrical hai, stout hai. Sugar cane. Because inhone nodes, internodes keh diya, this part of sugar cane. Is that clear, everybody? This is what, it comes from the Latin word which means calmus, which means stalk. It is what happens in sugarcane. What you eat like this, what you remove are called the culms of sugarcane. Because they have mentioned nodes and internodes, it has to be a part of the stem. Well done. Very, very well done. Is that clear? Done, everyone? Ab toh nahi bhulega? Yes, ma'am? Perfect. Let's move on to the next question on your screens, please. Question number 3 of 25. Edible roots, when you are able to eat, don't tell me edible shoot, give me example of edible root. Sweet potato, I'm telling you roots. Potato, wheat, rice. Easy question. Yesterday we've done a question very similar to this, just my analogous options humne mark kiya tha. What is it? And guys, have you all marked your attendance? Have you all subscribed to the channel? Edible roots. Chaliye. Potato is a stem tuber. That's why they were analogous organs. Ipomia batatas.
रतालू, आइपोमिया बटाटा, शकरकंदी, स्वीट पोटेटो, रूट ट्यूबर. दे आर सेइंग एडिबल रूट्स, डोंट मेक मिस्टेक्स एवरीवन. ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है इससे माइनस वन हो जाएगा, और अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे तो प्लस फोर हो जाएगा बेटा. स्टेट रूट्स वाली मैम ने कल आपको एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं. You're not supposed to make any mistakes now. कल ही मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखवाए बेटा. स्टिल्ट सपोर्ट के लिए ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स. Wow, Z maze, rhizophora, Pandoros, multiple root caps question comes, rhizophora, Avicennia, Solanacea, pneumatophores question comes, ficus bengalensis, prop roots, pisum, tendril. Okay, stilt roots are the ones which are for support. No more mistakes now, please. ये अगर ऐसा होता है वीक स्टेम विच इज देयर बिकॉज ऑफ विच द रूट्स विच कम आउट लाइक दिस विच आर फाउंड इन ज़ी मेज़ आर द वंस विच आर स्टिल्ट रूट्स आर आल्सो फाउंड इन राइज़ोफोरा. वेल डन, वेरी वेल डन. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी बात पे एक लाइक हो जाए स्क्रीन पे. कितने बच्चों के सारे आंसर सही हुए अभी तक? लीडर बोर्ड विल कम आफ्टर सम टाइम. वन इंटरनोड लॉन्ग, वेरी गुड. यूजली फाउंड इन रोजेट प्लांट्स एट ग्राउंड और वॉटर लेवल. रोजेट इज योर आंसर. ब्यूटिफुल, योर आंसर इज रोजेट. एंड वन, जस्ट वन इंटरनोड लॉन्ग. Next point is going to give you this. Excellent. Offsets. Because rosette are found in pistia, which is a classical example. Runners can be at least two internode long also. We're not talking about that. We're talking about rosettes and just one internode. This always happens in aquatic plants. Aquatic plants like pistia. Very good. Pistia striatotes. Kya naam hai? Pistia striatotes. Well done. Very well done. Chaliye. So with this, let's move on to the next question, everybody. Very important question. Aapki screen pe next question ye raha. Let's start question number 6th of 25. Kanishka, don't spam. After every question, we cannot have leaderboard. Read the given statements and select the correct ones. Root caps are present in prop roots. Pneumatophores help to get oxygen for respiration. Edible parts of ginger is underground stem rhizome. Hydrophytes usually possess a well-developed root system. Is it? Yes, 1, 2 and 3. Hydrophytes do not have a well-developed root system. Yes, they don't. They don't need to absorb water. That was the only one which was correct, which was not correct. Rest of the statements were correct. Well done. Very, very well done. Right? One is also a correct statement. Good. Question number 7. Chaliye. All previous year AIIMS, AFMC, NEET questions. Which of the following is not an example of corm? Vertical growing corm, not an example. Vertical growing, not an example. Colocasia, freesia, crocus, gingiber officinale, ginger. This grows horizontally. Right? It grows like this. Crocus to beta aapko kesar deke jata hai. This grows horizontally. All three of them, freesia, colocasia, crocus, all three of them, they grow what? They grow vertically. Ye dekho, ye teeno aise ugte hain vertical. Aise.
Is that clear? Rhizome zingiber officinale is ginger. It grows horizontally. ये कैसे आपने vertical grow कर दिया? तो मतलब blunder, बड़ा बड़ा blunder कर दिया. चलो अगले सवाल पे. Good, well done. But you're doing very well, बच्चों. Question number 8 पे आ जाओ. Thanks, Vansh, Nirmala, Devashish, Arya. In bougainvillea, weak stems. ये मैंने आपको लिखवाया है. आप अपने notes को refer करो. Weak stems rise up a support by clinging to it with the help of helonia of curved thorns. Such plants are called scrambler, offset, hook, tendril. Scramble, bhagna, dorna, chadna, scramble. Chalo. Scramblers. Tendril plant को tendril थोड़ी ना बोलते हैं. दिखावों पे मत जाओ अपनी. Plant को कब से tendril बोलने लग गए? मैम को subject थोड़ी ना बोलेंगे. वानी मैम ने bio बोलेंगे. ऐसे थोड़ी ना होगा. Plant को कब से such plants? Plant को कब से hook? Hooks होते हैं बिग्नोनिया में. Tendril होते हैं पाइसम में, पैसिफ्लोरा में, कुकुरबिटा में. राइट right? प्लांट को कब से टेंड्रिल बोलने लग गए? प्लांट को कब से हुक्स? हुक्स होते हैं बिग्नोनिया में. राइट ऑफसेट्स होते हैं पिस्टिया में, आइकॉर्निया में. इट आर स्क्रैम्बलर्स. जो चढ़ने वाले पौधे होते हैं उनको वाइन्स कह देते, लियानास कह देते, वुडी वाइन्स होती है, स्क्रैम्बलर कह देते. प्लांट को कब से? मैम को बायो थोड़ी ना बुलाओगे. मैम का तो कोई नाम ही लोगे ना बेटा. क्या सवाल क्या करते हो यार. मतलब मेरे को प्यार ही आ जाता है. मुक्का मारने का भी मन नहीं करता. क्या प्लांट को कब से टेंड्रिल बोलने लग गए? बता दो जरा मुझे, सच में बताओ. मतलब चलो जाने दो. मतलब कुछ भी हो एकदम जल्दी से. वो हमें लिखा हुआ है कांटा लगा और कांटा भी लिखा है. कहाँ लिखा है कांटा? फोन यस. और तुम लगे हो टेंड्रिल बनाने. मतलब गजब बच्चे हैं यार मेरे प्यारे बच्चे एकदम. चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ. ना गुस्सा आता है फिर लगता है छोड़ो बच्चे. बेचारे बच्चे ही है यार. बच्चे छोटे से सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर. ट्यूबर हिलियांथस ट्यूबरोसम, सोलानम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोस ट्यूबर्स, सकर, कुरकुमा डोमेस्टिका, जिंजिबर ऑफिशनेल. कुरकुमा में सकर होता है कॉर्न क्रोकस अमॉर्फोफालस. अमॉर्फोफालस इज जमीकंद. राइजोम ड्रोट्रिस एंड निलंबो. निलंबो लोटस. यू आंसर्ड इट करेक्टली. कमल ककड़ी सबने खाई होगी. वेरी गुड. सकर नहीं होता कुरकुमा. हल्दी में कब से सकर होने लग गया? कुरकुमा लॉन्गा इज अ राइजोम. देयर इज नो सकर इन इट. सकर इज प्रेजेंट इन क्रिस्थैंथमम. सकर्स आर प्रेजेंट इन मिंट. मेंथा में होता है, क्रिस्थैंथमम में होता है. हल्दी में कब से सकर होने लग गया? दैट्स रॉन्ग. कुरकुमा लॉन्गा इज रॉन्ग. राइट. एक बार एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ. तो कई बार टीचर को गुस्सा भी चढ़ जाता है. मेरी जो रेगुलर क्लास है उसमें इंसिडेंट बहुत फेमस है. अगर आप किसी भी मेरी क्लास 11th के रेगुलर बच्चे को पूछेंगे तो उसमें ये इंसिडेंट बहुत फेमस है. बहुत फेमस इंसिडेंट है. मतलब लास्ट दिन अभी हमारा सिलेबस खत्म, हम बाय बाय कर रहे थे रिवीजन लेक्चर से पहले, तो सबने इंसिडेंट याद किया. आपको सुनाती हूँ, मजा आएगा सुन के. बड़ा फेमस सा इंसिडेंट है. तो हुआ ये कि मेरी क्लास में एक साउथ इंडियन बच्ची है, प्रीति नाम है, बड़ी अच्छी बच्ची, वाना माय फेवरेट स्टूडेंट, बड़ा मुस्कुराती. तो उसको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता. तो हल्दी की बात हो रही थी तो मैंने कहा कुरकुमा लौंगा हल्दी. और क्लास ना बहुत मतलब ऐसे पढ़ाई करवा रही थी. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन माय क्लास कि कोई मस्ती नहीं करेगा, कोई गप्पे नहीं मारेगा, शांति और पढ़ाई करो. हाँ चुपचाप बैठो, पैसे दिए हैं और अभी तुमने अगर टाइम पास किया तो बेटा तुम्हारी धुलाई कर दूंगी मैं आके. चुपचाप बैठो और पढ़ाई करो. पता नहीं मुझे किसी को याद है या नहीं याद है. अब मैं कहा चुप बैठो और पढ़ाई करो, बस पढ़ो. अभी तुम सब कुछ लिखो पढ़ो. तो मैं बहुत मतलब एकदम ऐसे ना पढ़ाती हूँ क्लास में कि सिर्फ पढ़ाई करने आयो. जैसे यहाँ पे यार नो टाइम पास नहीं होगा, यहाँ कोई गाने बजाने नहीं होंगे, मस्ती नहीं होगी, मजाक नहीं होगा, पढ़ाई करो. तो एक बार डाउट पूछा, दूसरी बार मैंने कहा बेटा राइजोम, राइजोम ही पढ़ा रही थी, ऐसा ही कुछ पढ़ा रही थी. मैंने कहा हल्दी. तो उसने मेरे को सामने से पूछा. चार बार समझा चुकी थी मैं एक कॉन्सेप्ट, या पांचवी बार समझा रही थी सेम कॉन्सेप्ट. कहती मुझे व्हाट इज हल्दी का? मेरा सर. यस. मैंने कहा माय हेड. कहती मैम व्हाट इज हल्दी? आई सेड माय हेड. पटाई खाओगे? हाँ. यस. इतना मतलब अभी बच्चे अभी लास्ट दिन आया तो बच्चे याद कर रहे थे. कहते मैम हल्दी योर हेड.
मैंने कहा हाँ यही हल्दी, कहती मैंने कहा माई हेड, मैंने कहा हल्दी यू डोंट नो हल्दी, हल्दी इज टर्मरिक, कहते हाँ यस। चलिए आइए अगला सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कर देते स्टार्ट काउंटर, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं हम। पैरेलल विनेशन एग्जैक्टली एमिल, पैरेलल एक्सेप्शन कौन है? वेटिंग फॉर आनंद सर सेशन, ऑसम ब्लॉसम, डोंट वरी, आनंद सर का सेशन कल है 7 o'clock। Which of the following is an exception to this generalization? Smilax, Colocasia, Alocasia, all of them are exceptions. अगर आपने कभी Colocasia का पत्ता देखा है जिसको elephant ear कहते हैं, elephant ear देखा है कभी, elephant ear बड़ा साइज टाइप का पत्ता होता है, अरबी का पत्ता, elephant ear इस शेप का, तो उसमें reticulate venation होती है, smilax में reticulate होती है, alocasia reticulate venation होती है, all of these elephant ears please go see, it is reticulate anatomy, इसके बात करेंगे बच्चों, don't you worry about it। चलिए let's move on to the next question, question number 11 of 25 on your screens please। Exactly Deepak, don't worry about your mistakes, mistakes make you strong। A simple leaf can be differentiated from the pinnae of a compound leaf on the basis of presence or absence of what? The most amazing students are present on V-Biotonic. हमेशा मैं एक चीज कहती हूँ, सिंपल लीफ कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पिन्ने ऑफ अ कंपाउंड लीफ, लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। ये स्टेम है, अगर ये सिंपल लीफ है, एक सिंगल लीफ लगाए, लीग लगाए कह रही थी, तो उसको सिंपल लीफ कहेंगे। तो इस सिंपल लीफ के यहां पर बड होगा, जिस बड को आप एक्सिलरी बड कहोगे, जब ये लीफ कट होगा तो वो बड ग्रो करना शुरू हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड योर एक्सिलरी बड। अगर बेटा आप ऐसे कंपाउंड लीफ बनाओगे तो कंपाउंड लीफ के पास बड नहीं होगा, इज दैट क्लियर? सिंपल लीफ के पास लीफ का जो एक्सिल होता है, एक्सिल इसमें बड होगा, कंपाउंड लीफ के एक्सिल के पास बड नहीं होता है, कंपाउंड लीफ के एक्सिल के पास ब्लड नहीं होता है, अंडरस्टूड? इसी बात पे सब्सक्राइब, एंड गाइस हैव यू नॉट सब्सक्राइब, डोंट वरी एमिल, समटाइम्स यू गिव लॉट ऑफ रॉन्ग आंसर्स, लेट दिस बी अ स्टेपिंग स्टोन, डोंट वरी, मैं इतने टेस्ट करवा दूंगी आपके दैट बाय द एंड ऑफ इट यू विल गिव अ लॉट ऑफ राइट आंसर्स, डोंट वरी, कम एंड लर्न, राइट, कम एंड लर्न, एंड इट्स फाइन टू मेक मिस्टेक्स नाउ, इट्स नॉट योर फाइनल एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। चलो alternate opposite word, alternate, yes well done, ये alternate opposite, और अगर एक पे इस टाइप का पूरा हो word, well done, well done। चलिए अगले सवाल पे, so let's move on,
Well done, yeah, guys. I'm so super proud of you. No question has been like hung the parliament. Chalo. Spines. We've done this. Very nice. So, spines present on the areoles of Upanishad represent leaves. Leaves, leaves, leaves. Chaliye. Leaves spine mein convert hote hain because leaves ke paas stomata hota hai. Stomata se water loss hota hai. Water loss mein transpiration save karna hai. Question number 14. Chalo. Very nice. Match column 1 with column 2 and select the correct option from the codes given below. So I'm sure you've done this correctly, right? Well done. Main photo khinchne wali thi, but jab tak maine phone socha, tab tak wo khatam ho gaya. Any doubts in this? Meghu kyo kya ho gaya, beta? Oopsies, you making mistakes? Nahi kari mistakes, bacho. 15th, last 10 questions to go. Chaliye, speed badhaiye. Time kam rahe gaya? Okay, never mind. Edible. Underground stem, freshy scaly leaves, tunic, adventitious roots. Following plants, parts in garlic and onion are edible. Fleshy, scale leaves are the edible ones. They are the scale leaves. मैंने आपको कल लिखवाया था मेरे बच्चों कि edible ये swollen हो जाते हैं. किसके अंदर? आपके onion rings जो होती हैं वो आपके scale leaves हैं. मैंने stem दिखाया था. नीचे stem छोटा होता है. Right? चल एक और question कीजिए. Don't give up. I'm trying to use my this thing, it's not happening. My remote. Chalo. Are yaar. Yaar, guys, this is super amazing. Yes, awesome. First one was panicle, spike, umbil, corin. Kal maine kya aapko umbil aur corin pe difference bataya tha? Alag-alag point se shuru hote aur ek point se. Right? Rivanshi, aap bahut jaldi leaderboard pe aaoge, bachche.
All of you will come into the leaderboard. It's just about doing the right thing again and again and again and again. Chalo, jaldi se aage badhte hain. Tunic means covering. Beta, maine kal aapko bataya tha. Half inferior, half superior. I done this with you. Let's do this, kids. Amazing. Who's peri around the perimeter, peri guidance. Lovely. Achha, guys, ek cheez mujhe aapko bahut important discuss karni hai, which is like the most important thing. Do you know this? This is my aim, yeah. Every, like, this itself is I think the vision, mission, purpose of my life, that all of you should receive quality education. Excellent education, every child ka birthright hona chahiye ye. Every, because this itself is the base for your future. Yaar, paise waise kamane ki baat nahi ho rahi yahan par. Wo sab kamane ka, and I'm 110% sure about you. Your generation is like the smartest. Ab, bahut, but the wisdom which comes from knowledge, wo sahi galat mein pata lagana, wo, you know, sahi cheezon ke liye stand lena. That standing up for the right thing, doing the right thing, right, will attain an excellent education. This I feel. I want to see your faces like this, girls and boys, everybody, like, you know, that zeal on your face and that think, yaar, bas ab to we are not going to give up, we are never going to give up, and we will come what may. Yes, kuch bhi ho jaye, yaar, manzil ko paana hai, that is education. That, main dekh rahi hu, aap keh rahe ho, ma'am, leaderboard mein naam nahi aaya, ahe, kuch nahi hota, yaar, aap aa rahe ho, padho, knowledge gain karo, aapka final exam kuch aur hai, aur wo bhi jaisa marzi ho, the final exam is your day-to-day life, which I'm 100% sure you guys are going to be phenomenal at it. Matlab, you are going to be the rock stars of our country. This is one aspect of your life, but in every aspect of your life, Bioconians, you're going to shine. आप बहुत अच्छा करोगे आप यू नो एंड यू विल ऑलवेज फॉरएवर बी हमारे प्यारे चुन्नू मुन्नू आप वेदांतों को जब भी याद करोगे यार आप ऐसे आप वेदांतों को याद करो तो आप ऐसे आपके मुंह में एक स्माइल आनी चाहिए जब मैं 11th में था ना यार तो एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था क्या नाम था उसका फिर सोचो ऐसे आंखें बंद करके वेदांतु यस और वहां पढ़ते थे यार बहुत मजे ये क्लास ही तो है टुमारो आई रियली वॉन्ट टू रिक्रिएट दिस फीलिंग विद यू We want to talk, I want to get this one-on-one live. Let's see, get your parents along tomorrow. Let's sit, let's talk, let's do this. It's very, very important, right? So, matlab, yaar, ye jo feeling hai na, ye Vedantu wali feeling, and ye to ho jayega, yaar. You will do this, aap itni mehnat kar rahe ho, bas aap promise karo ki teenon subjects mein mehnat karoge. फिजिक्स में भी करोगे केमिस्ट्री में भी करोगे और बायो में भी करोगे बायो तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री में शर्मा जाते हो मुझे पता है यस शर्मा जी बन जाते हो नहीं करते हो है ना सच्ची ना मैं सच बोल रही हूँ ना थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे हो जाते हो यार चलो छोड़ो जाने दो राइट तो वो मत करो फिजिक्स केमिस्ट्री में शर्मा जी मत बनो शर्माओ मत उसमें भी उतनी मेहनत करो और यार ये हो जाएगा ये आपका फ्यूचर है नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू राइट खूब मेहनत करो Yes, and मतलब जब आप वेदांतु का सोचो तो ऐसा फील होना चाहिए यार मतलब कुछ तो है Yes, टेलीग्राम पे मैं रिप्लाई कर दूंगी बच्चे मेरे टेलीग्राम पे बाढ़ आई हुई है कोई 25,000 मैसेज आते हैं राइट उनको मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो आई विल रिप्लाई बैक टू ऑल योर टेलीग्राम मैसेजेस बट यार ये करना बहुत जरूरी है रिवॉर्ड देखो जहां पे आप रिस्क लोगे ना जिंदगी में कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा करते हैं रिस्क के साथ ही रिवॉर्ड मिलेगा तो थोड़ा सा रिस्क ले लो टेंशन मत लो और पक्का प्रॉमिस मतलब ऑसम रिवॉर्ड्स होंगे राइट तो इसी के बारे में बात करेंगे पुलकित सर वापसी सर आनंद सर ये क्या रिस्क था ना कि यार मतलब कैसे ऑनलाइन बच्चा पढ़ेगा बट आज देखो हजारों लाखों लोग और हजारों लाखों कितने इंस्टीट्यूट्स देखो तो आपने भी वही करना है यार रिस्क लेना है कि यार मैं अभी ट्रस्ट करूं और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ज्यादा मेहनत करता हूं मतलब इतनी मेहनत करूं फिजिक्स केमिस्ट्री में कि यार मतलब नेक्स्ट लेवल तक एपिक हो जाए चलो तो लास्ट के 7 or 8 क्वेश्चंस करेंगे बट उस पर बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको लगता है ना यार कि मेरी पढ़ाई कहीं पर बिकॉज आई एम इन अ स्मॉल प्लेस मेरे यहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं है
या मेरे पास यू नो कभी आपके साथ धोखा हुआ होगा, आपने सोचा होगा बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, पर शायद वो अच्छे टीचर्स और इंस्टीट्यूट आपके साथ यू नो वो जस्टिस नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था. अगर आपको यू नो फील होता है कि यार नहीं मेरे साथ तो धोखा हो गया, गलत हुआ, आई शुड हैव गॉट अ बेटर डील, आप एक बार वेदांतों को जरूर ट्राई करो. ये हमारा लेक्चर चल रहा है, आप अगर लेक्चर के नीचे आओगे आपको दो लिंक्स नजर आएंगे, दो लिंक्स हैं, आप दोनों लिंक्स पे क्लिक करो, एक बार इस पे और एक बार आप इस वाले लिंक पे भी क्लिक करो. तो जो ये बाद वाला लिंक है और पहले वाला लिंक है, पहले वाला लिंक क्रैश कोर्स के लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए 120 सेशंस में आपका फुल सिलेबस कराना, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है. और बेस्ट टीचर्स, आपने ऐसे टीचर्स कहीं नहीं देखे होंगे. दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे आज बताने दीजिए, एक कि जो आपके डाउट्स है ना, जो आपका मतलब टर्माइट की तरह प्रेपरेशन को ईट अवे कर लेता है, तो जो डाउट्स है ना आपके, वो डाउट्स एंड तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आपको डाउट्स लेने से कोई नहीं रोकेगा, और एंड तक आप टेस्ट दे पाओगे. 24-25 हफ्ते बचे, आप 20 टेस्ट दोगे. तो यहां पर जाइए राइट, और यहां पर अपना लॉग इन पासवर्ड भरिए, और उसके बाद यहां पर जाके लॉग इन पासवर्ड वीडी नीट कोड लगाइए. व्हाट इज द कोड? वीडी नीट. और इस पे जाने के लिए अपना ग्रेड सिलेक्ट कीजिए. ओके, नीट सिलेक्ट कीजिए और यहां भी प्रोसीड टू पे में लॉग इन करके अपना कोड लगाइए वीडी प्रो. चल, तो इसी के साथ बचे हुए 5-6 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं. चलो बेटा, तो पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी एंड अराउंड, मैंने कल ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ चलते हैं. चलो, यार ये तो कल कराया मैंने. अरे वाह, ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट वैल्वेट वेक्सिलरी. वेक्सिलरी इज द इजिएस्ट टू रिमेंबर बिकॉज पाइसम सिटाइबो पीज हैव वेक्सिलरी एस्टिमेशन, है ना. क्वेश्चन नंबर 19, चलो. Syngeneceus asteraceae, ये वर्ड तो मैंने आपको कल भी लिखवाया था. Syngeneceus है जो कल हमने क्वेश्चन किया था या नहीं किया था, सच बताओ. राइट आफ्टर द क्लास, एस्टेरेसी लिली फैमिली, राइट आफ्टर द क्लास. मेंटी का कोड है 1891932. राइट आफ्टर द क्लास वी हैव डन द क्वेश्चन Syngeneceus. बच्चों लिलियम में नहीं होता, एस्टेरेसी. सेम क्वेश्चन मैंने कल, सेम एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में. ये तो बेसल है आपका. अरे यार आंसर भी निकल रहा है, इसी से आंसर निकल रहा है. चलो थैंक्स रसलीन शिफाना. मेघा, खुशी, कविता, अदिति, इतना इजी क्वेश्चन है ये. राइट मार्जिनल बेसल था ये पी, फिर एक्साइल फ्री सेंट्रल, और लास्ट वाला था पेराइटल. 21st क्वेश्चन, वाह रे वाह, स्पीड तो देखो. बट गाइस, हैव यू ऑल सब्सक्राइब टू वी बायोटॉनिक? एंड अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है गाइस, आप एक महीने की प्रो मेंबरशिप पे कर सकते हो. यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन है ना,
droop. I think, don't you worry. For D is kasi. Chalo, start.